पंडित लोग सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता को पढ़ने में कुछ नियम है क्या? देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है, बस अगर अगर कोई पढ़ सकता है, मतलब कोई नहा के पढ़ सकता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी के पास समय नहीं है तो आप किसी भी समय पढ़िए। जैसे कि देखिए एक सूरज है, सूर्य जो है वो गंदी चीज़ों को भी ग्रहण करता है और किसी अच्छी चीज़ में भी जाता है, लेकिन वो खुद कंटेमिनेट नहीं होता है, खुद पवित्र रहता है। तो वैसे ये जो भगवत गीता है वो पवित्र है, चाहे हम कितना भी गंदे हैं और चाहे कैसे भी पढ़ेंगे तो भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में जाएगा तो हम उसमें हमारे जीवन में सुधार आएगा और ये भगवत गीता पवित्र नहीं होगा तो कोई इसके लिए नियम नहीं है। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि इवन जब कोई मेरी भगवत गीता को स्पर्श भी करेगा और अगर एक शब्द एक लाइन एक शब्द अगर पढ़ेगा भी तो भी उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप कोई भी कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर और किसी भी काल में पढ़ सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है।